वो सब तो ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हें उसके साथ बाहर देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। यकीन करो, मैं शगु के सच और झूठ को समझ ही नहीं सकी और उसने मुझे साथ ले लिया। हाय अब्बा जी, अब्बा जी सच कहते सी, जवानी में उन पे बहुत सारी लड़कियां आशिक होती होंगी, सच्चे सी बेचारे। हाँ हाँ अब्बा जी इधर ही है, तो क्या काम है तुझे उनसे? वैसे दिमाग तो ठीक है उनका। बाय बाय। अच्छा सुन, जेड़ी जुत्ती पा के चली ना उच्ची अड्डी वाली, हाँ। ठुड्डा खा के डिग ना पवी, हमेशा वास्ते लंगड़ी हो जाएगी स्यापा साड़ी जान। नहीं क्या हुआ है? पौधों को पानी दे रही है, बूथा क्यों लमकाया, रोने वाली क्यों हुई भी है? इन्होंने तेरा उधार देना है? अब्बा जी जरा देखे ना इसकी बूथी कैसी लमकी हुई है, काम ही करने लगी तो मरने की क्या जरूरत पड़ गई है? ओ कुड़ियों, मुझे ये बताओ कि आज हांडी रोटी का कोई प्रोग्राम है कि मैं रोजे की नियत रख लूं फिर? आए हाय अब्बा जी, अजे तो 10 बजे ने, एडी तानू भुखा लग गई ने, देख लेंगे सारा दिन पड़ा है, अभी कौन सी हांडी चढ़ाने का टाइम है? मुझे पता है कि अगर न्यारी पावे पकाने हो तो सुबह से तैयारी करनी होती है, अब हांडी चढ़ाओ चलो। इसीलिए तो मैं ये नास मारी हांडियां नहीं पकाती, मर्दों को तो खाने मरने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। पता नहीं केड़ा वेला निकम्मा सी जिसने ये हांडियां ईजाद की हैं, सत्यानाश जाए उसका, ये बिरयानियां, ये कोफ्ते, ये निहारियां, तो पता नहीं पलाते जरते ईजाद करके औरतों की जिंदगी चूल्हों में डाल दी है। अल्लाह हिसाब ले उससे, अल्लाह पूछे उसको मनुष्य के बच्चे को। इसका मतलब तो ये हुआ ना के रोजे की नियत करनी पड़ेगी। लो भी कुड़ियो, मैं तो जा रहा हूं, मुझे ठंड लग रही है, मैं जरा छत पे जा रहा हूं धूप सेकने। तुम ऐसा करो हांडी रोटी का बंदोबस्त करो, सौदा लाना हुआ तो मुझे आवाज दे देना। अहे अब्बा जी एड्डी गर्मी चू धूप सेकन क्यों चले हो, की हो गया तानू? मुझे लगता है जैसे किसी MBBS डॉक्टर के पास होके आए हैं जो उसने पुट्ठे सीधे मशवरे दिए हैं। एक तो अब्बा जी किसी की बात भी नहीं सुनते। अच्छा छोड़ मीना, दस भाभी कितने हैगी? मैं क्या, की हाल है, ठीक ठाक हो? हाय हाय, ये बुड्ढा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। राजी बाजी हो? वैसे माशाल्लाह ए रंग बड़ा जच रहा ताडे दे। मुझ पे तो सारे ही रंग बड़े अच्छे लगते हैं ईमान से। ये मेहरबानी है रंगों की, वैसे मुझ पे भी रंग बड़े मेहरबान है। दरखास्त है मेरे घर को भी कभी रौनक बख्शे ना आप। जी लगता है कि आज ये कुछ अकलमंदी ही की बातें कर रहा है मां से। हाँ जी आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, अब मैं जाऊं। शेर आलम? मैं क्या शेर आलम जी? कमबख्त मारे को लगता है फिर से दौरा पड़ गया। दफा दूर, इमली की खजूर किधर कहीं का, कमबख्त मारा। इधर दे देखो, आज फिर मौसम हसीन हो गया। दफे दूर, अब्बा जी, ओ अब्बा जी उधर क्या देख रहे हैं, मेरी बात सुने, आपके लिए खुशखबरी है, मैंने फ्रिज साफ किया, उसमें से 3 हफ्ते पुराने सालन इतने सारे निकले हैं, लिहाजा आज वही खाने पड़ेंगे, कोई हांडी वांडी नहीं चढ़नी, भूख लगे तो बता देना रोटी मंगा दूंगी। मैं जा रही हूँ मीना के साथ सलवा का काका देखने। ओके बाय। ओ बात सुन, ओ काके वाले घर तू जा रही है ना, अगर वो तुम्हारे आगे लड्डू शड्डू रखे तो 3-4 पर्स में रख लेना। हाय अब्बा जी, 5वां काका है उदा, बार बार मिठाई खिलाएगी क्या? कोई मिठाई मिठाई नहीं होनी, सबर शुक्र ही करो। और तुम लोग मुबारकें देती नहीं थकी हैं? वारे वाह। सर जी शाम के 5 बज चुके हैं सर जी, अब तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। अरे भाई झाड़ू अच्छी तरह दे दी? हाँ जी। भाई बाथरूम बहुत गंदे हो रहे हैं, वो धोए क्या? आहो जी तो देते ने। भाई ये चश्मे आहू तो सुना था, ये आहो क्या मतलब हुआ भाई, हम कुछ समझे नहीं। भाई आप कुछ ख्याल कीजिए, आप आखिर टीचर हैं, आप अपनी लैंग्वेज तो दुरुस्त फरमाइए। काम तो आप जी कुछ और ही करा रहे हो और जहाँ से कुछ और ही दे रहे हैं।
वो जो लंबू है ना, लंबू वो जो सर पे ऐन चोटी के ऊपर वो बांध के घूम रही है बालों की लट, उन्हें हमने कहा था कि जाके जाले उतारिए। कर रही थी सफाई, मोटी सी मकड़ी ने काट लिया उसको, बैठी भी रो रही है अब। चलो भाई सफाई तो हो गई, अब रो धो ले, तो उसे जाके कहिएगा कि चाहो भाई छुट्टी करो और निकल लो पतली गली से। मैं भी जाऊं जी। हाँ कल फिर टाइम पे आ जाना, क्योंकि वो कुर्सियां पॉलिश करनी है ना। हाँ जी हाँ जी। और सुनो बच्चे जो है ना बच्चे, उनका खास ख्याल रखना होगा, उनको अच्छी लैंग्वेज सिखानी है, और हाँ बच्चों के वालिदैन को मुतासिर करने के लिए बच्चों से गुफ्तगू शुनीद जो होगी वो इंग्लिश में होगी, और बच्चों को अच्छी अच्छी नज़में आप अंग्रेजी में सिखाएंगी। अंग्रेजी अच्छी तरह आती है या नहीं? आती है ना जी, क्यों नहीं आती। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हेन हेन शी लेड एग्स एग्स वंस अ डे Once a day, she saw a boy. She saw a boy. She is very happy. Boy, wow. Daddy, ye please files. अबे तुम खड़े हुए? हद हो गई। की दम द परोसा यार, दम आवे ना आवे, झट झगड़े न करिए प्यार, कम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे। क्या है? किसके न्याणे की गल्लां हो रही हैं? दूर फटे मुंह है की कदी कान ते लमकी होंदी, कदी चबारे ते लमकी होंदी है। हमारे घर की सुई लेती रहती है कि क्या हो रहा है, नहीं किसको लप रही है तू इधर? एक तो मेरी बात गौर से सुन लो कि तुम हो मेरी बुजुर्ग, तो डर फड़े मुझे जरा मीनू क्या है ना, छड़को तो मड़को मैं तुम्हारे झुंडे पोट के हाथ में फड़ा सकती हूँ। सुनने काकी ने दूध पीती फीडर पीती गले तो तेरी ऐसी पखरौड़ है कि जैसे नानियों को मार के आ गई। मैं तो बिल्कुल गाल नहीं करना चाहती। लगता है बच्चों को स्थानी पसंद नहीं आई, चाटा खिला दिया उन्होंने, लगता है लटा के कुट्टा है ना खूब तुझे। हैली लगता है तेरे वालों में बेटा किसी ने छुरली छाड़ दी है। की होया? हाय मैं मर गई, शुक्र है कल मेरे से सूट मांग रही थी, अल्लाह का शुक्र मैंने इसको सूट नहीं दिया। हाय इब्रत का निशान बन के खड़ी हो गई अभी ये तो। निजाम ने तेरा सूट क्या करने जाओ, मैं रोई ना मुक्की मारता कितने देर चल के हानी का अधिकार, बड़े स्कूल जाने का उसको शौक चढ़ा हुआ था। चल भाई सजना मलाई अक हंस के पटक दे ले जो हाय दिल नु में लाया डक डक के आ तिलक में पियो तिलक मेरा ना कर लोकी पैसे फाड़ लेंगे हमारे। हाय अल्लाह बहुत देर हो गया, मैं जाऊं? अल्लाह की बंदी अभी तुम्हें आए हुए सिर्फ 10 मिनट तो हुए। अरे मेरा मतलब है कि घर से निकले हुए बहुत वक्त हो गया है, सिलाई भी देनी है। सोचा था कि आज पैसे मिल जाएंगे तो अम्मा की दवाई लेती हुई जाऊंगी, मगर यहाँ तो लोग हक भीख की तरह देते हैं, मर्जी हुई तो दे दिया वरना साफ इनकार कर दिया। तो मुझे बताओ कौन लोग हैं, मैं निकलवाता हूँ तुम्हारे पैसे। खुदा का खौफ करो दिलावर, तुम तो मेरा काम ठप कराओगे। और तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? बस मैं होता तो जरूर छोड़ देती, मगर क्या करूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूँ कि कहीं नौकरी ही कर लूँ। बस ये दिलावर अगर तुम कोशिश करके मुझे किसी सिलाई स्कूल या गारमेंट की फैक्ट्री में लगवा दो ना तो बड़ा एहसान होगा। अच्छा तो चलो फिर मैं पता करता हूँ, तुम समझो कि तुम्हारा काम हो गया। वैसे दिलावर तुमने शग्गो से कहा क्या है, बड़ा इतराती फिरती है। ओ भला मैंने क्या कहना है उस शैतान की नानी से? ना मैं नहीं मानती, वो तो कहती है कि अब तो मैं जान गई हूँ दिलावर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। कमाल है भाई, बड़ी अजीब सी लड़की है, और तुमने उसकी बात का इतबार करके मुझ पे मेरी मोहब्बत पे शक किया है ना? अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर? तो फिर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें मुझ पे एतबार है। पता है दिलावर
तुम्हारे साथ ने मुझे मजबूत कर दिया है, हौसला मंद कर दिया है। और मेरी असल ताकत और मेरी असल उम्मीद तो तुम हो सर। पता है जब से तुम मिली हो ना, तब से दिलावर को एहसास हुआ है कि उसके सीने में भी एक दिल है जो तड़कता है, एहसास है, मोहब्बत करने वाला है। और इन आंखों ने अब तो ख्वाब देखने शुरू किए। देर हो रही है, मैं जाती हूँ। अनवर, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। ज़्यादा कीमती नहीं है लेकिन मेरी मोहब्बत की निशानी है। वाह यार, ये ओए इतना कीमती, इतना अच्छा। तू तो कहती कीमती नहीं यार, ये तो बड़ा अच्छा है। तुझे पसंद आया? हाँ बहुत ज्यादा। अब ना एक काम करते हैं, प्लान करके तू भी ना मेरे साथ चल। वो तुझे मैं मार्केटिंग शार्केट दिखाते हैं, कुछ प्लाजे श्लाजे, कुछ शॉपिंग शॉपिंग करते हैं। तू लंदन पैरिस को भूल जाएगी, लंदन पैरिस को। और देख उस दिन ना मैं ये शर्ट पहन के जाऊँगा और तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा मैं। दिल तो मेरा भी करता है अनवर, लेकिन ना अम्मा की मार से बड़ा डर लगता है, चित्र उतार लेती हैं अपना। तेरी बहन तो जाती ना स्कूल पढ़ाने, तो ये सारी बातें तेरे ऊपर ही है क्या? वो तो ये दो गलियां छोड़ के जो स्कूल है ना, वहाँ पे उस्तानी है ना, बच्चों को पढ़ाने जाती है वो। तो मैं अगर यूं शहर में सैर सपाटे करूंगी तो फिर मुश्किल है ना। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी है। अच्छा चल, नाराज तो ना ना हो। तो मान लेना मेरी। अच्छा चल, प्रॉमिस करती हूँ, सोचूंगी इस बारे में। अब तो ऐसे ना ना देख, मान जा। चल चल चल, प्रॉमिस लेडी डियाना। सुन, तेरे लिए मैं एक चीज लेके आऊं। चॉकलेट। हाँ, ये मैं किसी बच्चे के थ्रू उठा के लेके आया, दुकान से खरीद के लाया हूँ, कसम से। सही से बता दे अनवर, तेरी आगे बड़ी शिकायतें आ रही हैं, बच्चे ले लेके आते हैं मेरे पास। क्या तू झूठ ना बोली? तू वो लंच बॉक्स बच्चे का तूने छीन लिया था ना, स्कूल जा रहा था वो सुबह के टाइम। ऐसा समझती हूँ मेरे को? दो तीन शिकायतें आई हैं वैसे पहले भी। पहले भी तू चॉकलेट खा, मैं जाता हूँ। ठीक है तू निकल, किसी ने देख ली ना तो लेतर पड़ जाएंगे मुझे। जा। ओके लाफ। चाचू चाचू, आपने मुझे चॉकलेट रखी, मिल नहीं रही, यहीं पे रखी थी। ओ खोते, ओ चाचू पे इल्जाम लगा रहा है, हरामखोर चोर समझा मुझे है। चल दफा जा। ये तू कहाँ जा रही है इस वक्त? वो जी बड़ा मंदा सा हो रहा था, घबराहट हो रही थी, मैं सोची थी फमीदा खाला की तरफ आऊं। चल मैं भी तेरे साथ ही चलता हूं। तेरे जी, मैं ये कह रहा था तू फमीदा की तरफ अकेली ना जा, शगो को अपने साथ ले ले, वो बड़ी चलती पुर्जा लड़की है, मिनटों में दोस्ती हो जाती है उसकी सबसे, और फमीदा से भी उसकी बड़ी दोस्ती है। हाँ चलो फिर, ऐसे पहले खाला की तरफ चलते हैं, फिर वहां से मैं शगो को ले लूंगी। हाँ चल चले चले, तुम चल। सजना मलाई अख हंस के पटक, दिल डोल गया। लो बाजान जी, बिस्मिल्लाह करें। हाय मेरे नसीब, ओही पापे वही चाय, रोज पापे और चाय है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी अब्बा जान जी, आप फिक्र ना करो, कल मैं आपके लिए तिलों वाले कड़कते कड़कते ना कुलचे, नाल लस्सी, नाल मलाई, तो दूध मंगाऊंगी, आज ये खा लें। आप कोई वसब ना सीखी, वो दुपट्टा किधर है? तो मर दिया अम्मा ने, और कल लीला दुपट्टा नहीं तेरा धोया, साथ में मैंने गुलाबी भी धो दिया, पीला भी धो दिया, तीनों का तुल के जड़े एक दूजे को रंग चढ़ के रंग बने नहीं, की कहते हैं उसने अंग्रेजी में, माल्टी माल्टी शेज। ओए उठाओ ये ले जाओ, मैं नहीं खाता ये, बस बड़ी हो गई। अब्बा जी क्या छुने काको की तरह आप लाडो माइया कर रहे हैं? अब्बा जी मेरे सोने, अब्बा जी कल आपके लिए मैं लस्सी मंगाऊंगी, दूध मंगाऊंगी, कुलचे मंगाऊंगी, मेरे सोना अब्बा खा। आए हाय, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जब पप्पी से क्या चाय बना के दे। अम्मा मैं नहीं कह सकती, खुद ही कह लो।
दफा भी हो कम पक। उसने फोन क्यों बंद कर दिया? पता नहीं कहां दफा हो गया। इसका मतलब है कि वो मुझे धोखा देकर चला गया। मामी आपका सर दबा दे। नहीं जरीजा, मेरी चाय बना के ला। अभी ला। कितना कुछ दिया था मैंने उसको, मेरा सारा माल हजम करके। अल्लाह करके तेरी टांगे टूट जाए, कहीं आने जाने के काबिल न रहे। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला वो मैंने फमीदा की तरफ जाना था, मैं सोच रही थी कि शगु को साथ ना ले जाऊं। हाँ हाँ ले जाओ उसे साथ अपने। शगु, ओ शगु कहाँ घुस के बैठ गई? देख तो शायद वो कौसर आए हैं। एक तो इनको भी चैन नहीं है, एक मुसीबत है कोई। आ रही हूँ अम्मा। चल कौसर मैं तेरे साथ चलती हूँ। चले खाला। चल आजा शाबाश। चले चले। अच्छा जी। मामी, ये मामी कहाँ चली गई? दुपट्टा छोड़े मेरा। मैं कहती हूँ दुपट्टा छोड़े मेरा। ए छुड़ा लो ना सुनियो। अभी छुड़ाती हूँ। छोड़ूंगा नहीं, मैं माफ करने वालों में से नहीं हूं। तैयार रहना। Ladies and gentlemen, you are watching Hulla Ray.